हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ रेहू कतला मिक्स फिश करी 200 ग्राम में मिला, सुन लिया है। 100 ग्राम मैंने काला सरसों लिया है, 2 चुटकी मैंने मेथी लिया है, 10 कटे हुए प्याज लिए हैं। अब इन सब का हम एक कढ़ाई हम चढ़ाएंगे, हम 8 चम्मच तेल डालेंगे, 2 चम्मच मैंने नमक दिया है और 1 चम्मच हल्दी लिया है और 2 चम्मच मैंने सरसों और लहसुन का पेस्ट लिया है। एक पीस लेंगे हम, इसमें हल्का नमक, थोड़ा सा हल्दी, ये थोड़ा सा सरसों और लहसुन का पेस्ट, इसे हम पूरे पीस में लगाएंगे। इसके मैंने चारों तरफ लगा दिया है, अब इसके अंदर में भी हम लगा देंगे थोड़ा सा नमक। ये तेल पूरा हीट हो चुका है, इसे हम सीम कर देंगे। अब इसमें हम ये पीस डालेंगे, इसी तरह हम सभी चीज को छान लेंगे। सभी को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है, कढ़ाई में हम मसाला बनाएंगे। ये मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था, ये लहसुन और सरसों का, और ये 4 कटे हुए बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर, 2 चुटकी जो मैंने मेथी लिया था उसे मैंने प्याज के साथ पीस लिया है। और इसमें हम ये पीसे हुए प्याज डालेंगे। सरसों लहसुन का टमाटर डाल देंगे, इसे हम हाई फ्लेम पे आधे घंटे तक भूनेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, ये नमक बच गया था वो नमक ही मैं यूज कर रहा हूँ।
हल्दी एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटा चम्मच, मेथी पाउडर 1 छोटा चम्मच, ग्राइंड पाउडर। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। चावल चला है, खराब नहीं है। इसमें पानी डालेंगे। पानी को मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें हम ये कटे हुए धनिया पत्ता डालेंगे। और इसे हम हल्का बॉइल करेंगे। ग्रेवी खोल चुका है। और इसमें हम ये मछली डालेंगे। इसे हम ढक कर 10 मिनट और बॉइल करेंगे। हमारे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। ये तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।